तो देखिए आज मैं अपने घर में पहली बार कढ़ी बना रही, नए घर में। देखिए अब मैंने ये छोंक चढ़ा दिया है। सबसे पहले तो मैंने इसमें डाला था तेल, और मैंने लहसुन और प्याज और लाल मिर्च भी है और हरी मिर्च भी है, वो मैंने एक साथ मिला के इसमें तेल में डाल दिया। हम ये हल्की हल्की आंच में भुनने जा रही हैं। और इधर मैंने थोड़े से आलू भी हिसाब से ही, जितने मेरी कड़ी है उसके हिसाब से आलू काटे हैं। ये मैंने घोल इधर घोल दिया है। इसमें हल्दी, नमक, मिर्च सारी चीज डाल दी, बेसन। और कड़ी में आज मैं डालूंगी मटर, थोड़े से मैंने मटर भी छिले हैं और दो आलू काटे हैं। तो चलिए दोस्तों आप छोंकते हैं कड़ी। अभी तो मेरा छोंक नहीं हुआ, मैं सोच रही जब तक छोंक होएगा तो मैं इसे अच्छे से घोल लूंगी। तो ये भी हमारा घुल चुका है। बस मेरा खाना बनाना ही बाकी है, बाकी काम मैंने सारा खत्म कर लिया है। और आज सुबह तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, धूप भी निकल रही थी, और अब इतना बादल हो गया कि बारिश होने को तैयार है। बिल्कुल बारिश का मौसम हो रहा बहुत अच्छे वाला। ये देखिए मैंने आज कपड़े रस्सी पे नहीं फैलाए क्योंकि बहुत बंदर आ रहे आज सुबह से ही, परे से परे उठा के ले गए, तो मुझे पता भी नहीं चलने का कि कपड़े क्या, कौन सा कपड़ा उठा के ले गए। तो मैंने यही जुगाड़बाजी करके इधर ही फैला दी है। तो मैंने इधर भी साफ कर दिया और मशीन भी हटा दी, गर्म पानी लगा रखा। ये कर देती हूँ मैं बंद। और बच्चे आज इंजॉय कर रहे हैं घर पर ही, क्योंकि आज बच्चे स्कूल में नहीं गए, इसलिए नहीं गए कि कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे, उनकी तैयारी हो रही है। जो बच्चे जिन्हें प्रोग्राम में रखा था, अच्छा चल बता बताओ जिन्हें प्रोग्राम में रखा है इनका डांस दिखा रहे। अच्छा इसलिए नहीं गई ये दोनों। वे मम्मी हम क्या करेंगे, हम तो ऐसे ही बैठे हुए देखेंगे, मगर ठीक है रहने दो। मेरे पास इतना बड़ा भिगोना नहीं है या पतीली नहीं है जिसमें मैं कढ़ी बना सकूं, कढ़ाई भी नहीं है इतनी बड़ी, और मुझे कढ़ी बनानी है बहुत ज्यादा, क्योंकि इनका फोन आया था, वे बोले थे मुझे थोड़ी सी कढ़ी ना मिले जानी, तो मैं बीच में आएंगे और कढ़ी लेके जाएंगे, इसी वजह से मैंने ये बड़े कुकर में चढ़ाई है। और मेरा बड़ा मन था कढ़ी को चूल्हे पे बनाने का, अब मेरे पास चूल्हा नहीं है, मैं सोच रही मिट्टी का चूल्हा बनवाऊंगी मम्मी से, चूल्हा या हारी एक चीज तो होनी चाहिए, तो मैं हारी बनाऊंगी। चूल्हे में तो टाइम लगेगा, वो धीरे धीरे, वैसे तो हारी भी धीरे धीरे बनती है, पर चूल्हे रखने का भी जगह नहीं है फिक्स कहाँ पे रखा जाएगा। हारी तो यह है कि कहीं भी रख के अपना सब्जी छोंक के हारी में रख दो। तो मैं मम्मी से बोल गई, आज ही अभी बोल गई, घर गई थी मट्ठा लेने के लिए, मम्मी हारी बना दो थोड़ी सी छोटी, जिसमें बस यह है कि अपने परिवार के हिसाब से सब्जी बना के रख दो छोंक। तो देखिए इधर मैंने कड़ी छोंक दी है, अब इसे ये मैंने धो के तो रख दिए थे, एक बार और धो लेती हूँ और ये डाल देती हूँ अब मैं इसमें आलू और थोड़ी सी। अब इसे धीरे धीरे पकाऊंगी और मैं बच्चों से पूछ के बनाऊंगी चावल, क्योंकि चावल बच्चे कम खाते हैं, कम क्या खाते ही नहीं, कढ़ी के साथ खा लेंगे तो बना दूंगी, वरना बस रोटी सेक लूंगा। तो इधर मेरी कढ़ी बन चुकी है, बस मैंने इसे कम कम आंच में रख रखी और अच्छे से पक जाएगी कढ़ी। तो ये है कि जितनी पक जाए उतनी अच्छी लगती है खाने में। और इधर मैंने तवा चढ़ा दिया है, मैं मुझे बनानी है रोटी, मैं चावल नहीं बना रही।
तो देखिए मैंने दोपहर तक का सारा काम था जो वो मैंने खत्म कर दिया, क्योंकि मुझे आज जाना है मार्केट मिठो के लिए ड्रेस लेके आनी है, शादी में जाएंगे हम कल, तो उसके लिए मिठो के पास कोई ऐसी बार बार एक ड्रेस कोई पहनती है, तो मैंने सोचा चल जब शादी में जा रही तो एक ड्रेस ले आती हूँ उसके लिए। हाँ बेटा, तो उसके लिए मैं तैयार हो गई हूँ, डेली यूज के ही कपड़े हैं, ठीक लग रहे हैं, मैंने सोचा बाजार ही तो जा रही हूँ, वैसे तो सही है ना, इतने बुरे तो नहीं लग रहे ना, आप बता देना। तो मैंने ये थैला लिया है, इसमें लूंगी कुछ किचन का सामान भी लेके आना है मुझे, रसोई में जो मेरा सामान कैंप और मिक्स और बच्चों ने ना लिख रखा कॉपी पे पेपर पे लिख रखा, मैं कर रही रुक जा बंद। और साथ के साथ ही मैंने लिया है लंच इनके पापा के लिए, बच्चों के पापा के लिए मैंने लंच लिया है कढ़ी चावल। और सोच रही ही मैं, उनका फोन आया था, मैं बोले थे कि बुढ़ाने तो आवेगी, मेरा लंच लिया ये, मुझे फोन कर दिए मैं ले जाऊंगा। तो ये तो मैंने पैक कर लिया, अब किचन की लाइट कर देती हूँ बंद, पता और मैं किसके साथ जाऊंगी, रितु और मैं, हम दोनों जाएंगे। जो क्या कर दिया तुमने? मैंने नहीं देखा। अभी खिला के मार का खुला भी ना ऐसा ही चाहती है। तो चलिए अब हम इसमें डाल देती हूँ मैं नहीं लेंगे वो, ये तो मेरा इंतजार कर रही, सारा सामान मैं इसी थैले में ले आऊंगी, बहुत अच्छा लग रहा है ये मैंने आरती दीदी से मंगाया। और ये हो गई मिल्क केक और ये हो गया सो। तो चलिए बेटा उधर भी कुंडी लगाया, लड्डू हम कहाँ जा रहे? कपड़े कपड़े तो अलग कुछ और भी लाएगा हम ना बोले बेटे कल बिना क्या करेगा अच्छा अंशी का लहंगा लेगी मेरा भी लेगी। अरे तू तो लड़का है, मैं तो लूंगा। तू तो और कुछ दे दिए, मैं तो लहंगा लूंगा। तू बैठा है अच्छा लगा जेब जेब में अच्छा लगा। ठीक है जी, साइज देख लो पहना के, अभी तो मिल जाएगा बड़ा भी इससे। कलर बदलेगा ये ब्लू कलर अच्छा लग रहा है, तीसरा कलर अच्छा लग रहा है, ले लो फिर कलर बनाओ, ये तो अभी आ जाएगा ये वाला लो। इसमें 30 मिल जाएगा। और हम अभी अभी आए हैं बाजार में से, थक गए, 2 बजे के जा रहे थे और 5 बज गए, 3 घंटे हम बाजार में ढूंढा जो कुछ चीज खरीदने के लिए गए थे ना, मेरा तो दिमाग खराब होगा, वो मिली ही नहीं। आज बाजार में जाना ना जाना बेकार रहा, दिमाग खराब। बस ये देखिए, बस ये क्या है, एक मसालदानी बड़ी मुश्किल से ये मिली, इतनी भीड़ हो रही थी।
शादी का सीजन चल रहा ना तो बहुत ज्यादा, तो ये मसालेदार नहीं, तो मैं जैसे तैसे ले आई। और मिर्ची का टोप मैंने जिस भी दुकान पे देखा मुझे पसंद नहीं आया, जो पसंद आया वो मीठो पे नहीं आया। और जो मैं सोच रही थी ऐसा टोप मिल जाए वो तो बिल्कुल कहीं तक कभी नहीं दिखा। चार पांच दुकान पे मैंने ट्राई करा, एक भी दुकान पे मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं सोच रही थी चल गर्मियों का ले लूं, गर्मियों का बोल रहे थे कि अभी मान नहीं आया गर्मियों का। कुछ दिन बस आज तो दिन कहते नहीं, आज क्या रास्ते में बिल्ली ने रास्ता काट दिया था, जो काम के लिए गए थे वो काम हुआ ही। अब बस ये मिट्टी का एक लेजर लेकर आई, और मिट्टी अपने लिए मिट्टी की मम्मी पूजा करूंगा, मम्मी भोलेनाथ जी का भगत हो रहा है। तो देखिए वो इस भगवान जी की मूर्ति लेके आया, अच्छी लग रही ना मम्मी ये ले लो। और भी मैंने पूछे थे, बहुत हाई रेट बता रहे थे, इतने हाई रेट के तो वे है नहीं थे, तो मैंने भी लिए नहीं। मैं सोच रही अब हरिद्वार जाऊंगी, वहां से बहुत अच्छी अच्छी आती है मूर्ति, वहां से लेके आऊंगी। और बस ये सामान लेकर आई, देखिए मैं 3 घंटे में ये सामान खरीदा मैंने। हाँ बस ये है कि रितु ने जो खरीदा वो जो लेने गई थी उसने वो खरीद लिया, उसका तो कंप्लीट हो गया। वो शूज लेकर आई, सैंडल लेकर आई, बच्चों के कपड़े लेकर आई, पार्टी वेयर लेकर आई, वो अंशी का गाउन। तो मुझे गाउन तो गाउन मिल रहे थे मीठी के लिए, मुझे गाउन नहीं लेना था, मुझे लेना था बस एक सिंपल सा टॉप, इतना सिंपल भी नहीं जो शादी में पहनने चली जा। अब ये पक्का नहीं पता हम शादी में कल जाएंगे भी या नहीं, दिमाग खराब। 3 घंटे बाजार में घूमी आई, आज मुझे ना एक भी नहीं मिला जो मैं खरीदने गई थी, कुछ भी जो सामान मिला ये जो मिस्टी के मैंने 4 दुकान पे देखा, 3-4 पीस बस, 3-4 पीस, 3-4 में बता क्या पसंद कर लू। आज जो पसंद आया वो उसका गला नहीं आया, जो मैंने मिठो को पिनाया उसका गला नहीं आया मिठो के सिर पे। कल मैं शादी में नहीं जा रही फिर, बच्चे तो स्कूल में जाने को कह रहे हैं, कह रहे मम्मी हम तो स्कूल में जा रहे हैं, और स्कूल में वो चले ना डांस करेंगे, मैं तो वो देखूंगा। चल मैं चल स्कूल में चले जाएंगे। तो देखिए मैं लेके आई थी जो ये मसाला बनी, अब इसमें मैं लगाती हूँ सारा सामान जो मेरा डिब्बों में पैक है। कंप्लीट हो चुकी है, देखिए सारा सामान है इसमें। और इसके साथ ये छोटी सी चम्मच हो गई अच्छे से बन। और अब ये डिब्बे में पहुंचाती हूँ नीचे।